और मैं फर्स्ट टाइम राजगीर आई हूँ। मेरे पापा बोलते रह गए थे कि घुमा दूंगा घुमा दूंगा घुमा दूंगा, बट नहीं हो पाया। फिर मम्मी बोली कि घुमा दूंगी, फिर जब मेरा मूड बना तो बोला कि नहीं जाना है तो जाना है बस। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर में घूमेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उतरेंगे। यहाँ पे जो है मम्मी को उतारा जा रहा है और अभी मुझे भी उतारा जा रहा है, बहुत फास्ट पे मुझे उतरना है अदरवाइज। यहाँ पे एकता आएगी और एकता उतरेगी। और ये देखिए एकता उतर गया फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। ऐसा लग रहा है दोनों जो है कान का पर्दा जो है प्रेशर डाला हुआ था, बट अभी निकल चुका है। मजा आ रहा है। नहीं भैया, आप लोगों के पास कैमरा है तो क्यों बनाया? वो पूछ रहे थे कि आप लोगों को फ़ोटो भी बनाना है, अगर फ़ोटो बनाना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको बना देता हूँ। बट मैंने बोला कि नहीं, हम लोग के पास ऑलरेडी हमारा जो है मोबाइल फ़ोन है तो हम क्यों बनाएं। हनुमान जी बैठे हुए हैं जो वृंदावन में मेरा चश्मा ले लिए थे और फिर दिए नहीं थे, दो दिन का चश्मा। यहाँ पर इस तरह का मार्केट लगा हुआ है। नहीं भैया, थैंक यू। अभी तक मम्मी पीछे ही रह गए। मैं जो है ऊपर पहुंच गई हूँ, मेरी सांसें जो है फूल रही है और मम्मी जो है अभी भी नीचे ही है। पता नहीं किस दुकान में उसे क्या लेना है, मे बी क्या ले रही है। एक घंटा से वहीं पे टिकी हुई है। मम्मी लोग जो है झूमते झूमते आ रही है ऊपर। ये नहीं कि बेटी ऊपर पहुँच गई है तो मैं भी जल्दी जल्दी चल के आ जाऊँ। भगवान बुद्ध का तो ताजमहल नहीं है जैसा कि ये भैया बता रहे हैं, ताजमहल भगवान बुद्ध का मूर्ति। वो भैया मेरी बात को देख के हंस रहे हैं। ये जो है काउंटर वाले भैया औषधि बेच रहे हैं, जिसको लंबा होना है यहाँ पे आ जाओ ताजगीत में। वो भैया जो है जड़ी बूटी देख के लंबा कर देंगे। और मम्मी जो पहुँच गई है, उसको क्या क्या बोलते हैं, झालमुरी वाला काउंटर। हाँ, झालमुरी वाला काउंटर है। और मम्मी जहाँ झालमुरी जो है देखी नहीं कि टूट पड़ी उस पर, मम्मी यहाँ पे झालमुरी ले रही है। हमने बहुत लेज़र लाइट लिया था, एकता जो है फिर से वही काम कर रही है, लेज़र लाइट ले रही है। बताओ, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं ओके, और इसको लेज़र लाइट लेना है। और मम्मी जो है हाथ का चूड़ी ली थी और जिस दुकान से ली थी, जिस स्टॉल से, वो चूड़ी वाले ने मम्मी को जो है टूटा हुआ चूड़ी जो है चेप दिया था, तो मम्मी वहाँ फिर से गई और फिर रिटर्न कराई, फिर दुकान वाले से नया चूड़ी ली। ये है मेरी माता श्री। ये देखिए लोग कैसे बैठे हुए हैं नीचे। और हमारा लक अच्छा था कि हम ज़्यादा धूप में नहीं पक रहे हैं, क्योंकि अगर धूप होती तो हवा टाइट हो जाती। और यहाँ पे शुद्ध पेयजल मिल रहा है, यहाँ पे नल लगा हुआ है। और ये जो है बुद्ध भगवान का मूर्ति है, यहाँ पे मंदिर भी उन्हीं का है। मम्मी एकता जो है पहले पहले चली गई, सब लोग मुझे बंदरों से सावधान कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ पहले भी इंसिडेंट हो चुका है जिस कारण से। मम्मी का जो है एकता फ़ोटो खींच रही है, एक घंटा से एक फ़ोटो निकालती है ये लड़की। मम्मी भी पक गई है इसके चक्कर में। एकता जो है हमको तबाह कर दी, कभी बोलती है पेड़ के साथ फ़ोटो लो, कभी बोलती है कूदते हुए फ़ोटो लो। कुद कुद, हाँ कुद ले ली। क्या आप लोग गए थे भैया?
अब हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं और ये है घंटी, बट इसका गेट जो है बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, किस रीज़न से। मम्मी और एकता दोनों बहुत पहले ही नीचे जा चुके हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। और ये महारानी जो है अपना नाम लिख रही है पेड़ पे, जो सदियों पुराना जो है एक तरह से ट्रेडिशन है कि अब जंगल में जाओ तो अपना नाम लिखो। और मेरी मम्मी देखिए किस स्टाइल में बैठी हुई है, मेरी मम्मी को कोई डर है? वाह। और यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, इतना डेंजरस। और ये एक तो मेरा दिमाग खराब करके वहाँ पे करवाई है। और ये देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, देखो कितना अच्छा यहाँ पे पेड़ है। आराम से खिंचवाती हूँ, वहाँ पर टांग टांग के मेरे को दिमाग खराब कर रही थी। जाओ अभी वीडियो में ले लेते हैं, जाओ एक तो पेड़ चढ़ते हुए। अरे छीन ले तो फिर कितना तो जो है यहाँ पे बंदर को पानी पिला रही है। और एक यहाँ पे पानी दे रही है, यहाँ पे देखिए बंदरों का तादाद। हर जगह आपको बंदर ही बंदर दिखेंगे। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, क्या है अच्छा, यहाँ पे कैमरा मोबाइल नॉट अलाउड है, तो अंदर जो है हम लोग कैमरा या मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। मैं एकता को दे देती हूँ अंदर से जल्दी से। और ये देखिए ये मंदिर जो है भगवान बुद्ध जी का है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं नहीं ले जा सकती हूँ। और पीछे का व्यू देखिए, अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और देखिए ये बंदरों का प्यार मोहब्बत है। देखिए यहाँ पे देखिए बंदरों का प्यार मोहब्बत जो है, कैसा लगा आपको? माँ बेटा है। अच्छा माँ बेटा है। अब नीचे जा रहे हैं, मम्मी आगे आगे है, उसके पीछे एकता है, उसके पीछे मैं हूँ। थोड़ा सा रश है, लोग आ रहे हैं, रश तो है। खैर जो है मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे बाद है मम्मी, मम्मी के आगे है एकता। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए, चूँकि धूप नहीं है जिस कारण से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है व्यू, और बहुत क्लियर भी नहीं है। और देखिए हमें जाना कर रहे हैं वहाँ, वो मम्मी है। और ये देखिए नज़ारा, जू सफारी और ग्लास ब्रिज जो हम लोग नहीं घूम पाए उसका बहुत ही ज़्यादा दुख है मुझे। अगर मैं टाइम से पहले आ जाती तो हमें टिकट मिल जाता, बट टाइम से पहले हम लोग नहीं आए थे और हम लोग को पता भी नहीं था वैसे, तो कोई नहीं, जो घूमा उसी को एंजॉय कर रहे हम लोग।
लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए इधर से जो लोग आ रहे हैं वो डर भी रहे हैं और नहीं भी डर रहे हैं। बहुत ही स्लो मोशन में ऐसा लग रहा है, स्लो मोशन में ले जाया जा रहा है। थोड़ा सा फास्ट रहता है तो मे बी ये ड्रेविंग रहता, बट बहुत ही स्लो ले जाया जा रहा है। बट कोई नहीं, अब फाइनली मम्मी नीचे पहुंचने वाली है। देखिए 2 नंबर पे जो है वो मम्मी है और हमें फटाक से नीचे उतर जाना है। जो है मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मे बी 1 मिनट के अंदर मैं नीचे पहुँच गए जाऊँगी। एकता नीचे उतर चुकी है, मम्मी उतरने वाली है, उतर गई मम्मी और अब मैं नीचे उतर रही हूँ। एकता मेरा वीडियो हो रहा है फटाक से नीचे उतरता है मुझे। जाओ ना माँ इस बार तुम जो जल्दी। सिद्धार्थ रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम निकल जाएंगे। वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है एग्जॉस्ट का, पूरी गर्मी है यहाँ पे। और हमारा खाना पीना और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। धूप अब आ चुकी है